जिहड़े मैंबर ओबराइज करने से रुस ना जाण, किसी ने धर्म प्रचार का जोन था वह तो बनाता माझे का, किसी ने दुआबे का, किसी को मालवे का, चंगी गल है। कम से कम ये मेरा जो चोन मैनीफेस्टो से उन्होंने चुकया। धर्मी साहब ने ऐलान किया कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तो आदेश आया कि चैनल जिहड़ा अपना बनाया जाए, 7 दिनों च बनावांगे, अजे तक नहीं बनिया। श्री अकाल तख्त साहब के आदेश नूं ना मन्ने हुण तुसीं की कहोगे कि वह किसी का बिठाया होया जो वह कहणगे वह होएगा वह आप नहीं कर सकता। श्रोमणी कमेटी दे विच सिख पंथ दे मुद्दे नूं चकदे रहोगे? वो चली जाने जी। देखो पहले इन्होंने लफाफा कल्चर दूर किया, फिर दूजा इन्होंने जोड़ा कल किया जो मैं ऐलान किया कि वह ऐलान किया कि असी एजुकेशन की वक्री बनावे कमेटी, धर्म प्रचार की वक्री बनावे, रेवन्यू की वक्री बनावे। वो इन्होंने कल फिर देखो आप नहीं प्रधान साहब ने ऐलान किया, बाहरों श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर चो लिख के वो लैटर पैड से आया क्या ऐलान कर दो, सिर्फ इसलिए कि मैंबर जोड़े ओबलाइज कर लिए रुस ना जा, जिहड़े मैंबर ओबराइज करने से रुस ना जा, किसी ने धर्म प्रचार का जोन था वह तो बनाता माझे का, किसी ने दुआबे का, किसी को मालवे का, चंगी गल है। पर मैंने खुशी है कि कम से कम ये मेरा जो चोन मैनीफेस्टो से उन्होंने चुकया। तीजी गल, इस प्रधान ने धामी साहब ने ऐलान किया कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तो आदेश आया कि चैनल जिहड़ा अपना बनाया जाए, 7 दिनों च बनावांगे, अजे तक नहीं बनिया। इहदा मतलब कि जिहड़ा उस पदवी ते बैठा होवे प्रधान, वह अपनी ही जबान पूरी ना करे, अपने कई शब्द पूरे ना करे, श्री अकाल तख्त साहब के आदेश नूं ना मन्ने, हुण तुसीं की कहोगे कि वह किसी का बिठाया होया जो वह कहणगे वह होएगा वह आप नहीं कर सकता। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋਦਰੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ।